अस्सलाम वालेकुम। आप बोल दो। ओके जी, अब हम चेकआउट करने लगे हैं। सब बच्चे रेडी हो चुके हैं, बिस्तरे वगैरह हम लोगों ने उतार दिए हैं और अब हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं सोया? घर जा रहे हैं। आपको क्या हुआ है? चलो चलो चले आ जाओ, मम्मा उठाए, चलो आ जाओ। बस जी, अब हम निकल आए हैं। इतना अच्छा मौसम है यहाँ जंगल में, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, ये बहुत बड़े हैं। गाड़ी में जरा सामान रख रहे हैं। चलो बच्चों बैठे, मुसा भी बैठ जाओ। तो क्या हो गया है? आपको कैमरा चाहिए है ना? सुबह सुबह जाग जाते हैं, सुबह सुबह जाग जाते हैं। ओके, आप सब बताएंगे कि हम सबका फेवरेट पार्ट क्या था यहाँ पे रहने का। सबसे पहले पापा शुरू करेंगे। ओके, तुम्हारा क्या फेवरेट पार्ट था जी? बाउलिंग। बाउलिंग। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था मेरा फेवरेट पार्ट भी था बाउलिंग। जैसे आपका फेवरेट पार्ट क्या था? बहुत अच्छा लगा वहाँ पे है ना। तो चलिए जी, अब हम जरा अपना सामान जो है गाड़ी में रखना है, रिसेप्शन पे जाना है। आहत बेटा कहना छोड़ो ना, या चेकआउट करना है और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह अपने रवानगी घर की तरफ। तो ये गाड़ी जो हमने किराए पे ली थी एक दिन के लिए, इसका कितना किराया था निशा? कितने पैसे दिए थे हम लोगों ने? पापा क्या बोलते थे? 100 यूरो। हाँ, 100 यूरो की हम लोगों ने किराए पे ली थी, लेकिन बहुत ही काम आई हमारे, क्योंकि बारिश भी हो थी तो हम लोग आराम से इसके अंदर बैठ गए थे, अंदर पानी नहीं जाता था। जी ऐसे करो, वहाँ पे ऐसे खड़े होके उस ऐसे करो, या अब करो, अब करो, टर्न टर्न टर्न, साइड से ऐसे ड्राई ऑन फ्रॉम द जाई कौन करो, सही कौन से करो, जी ऐसे नहीं नजर आता, फिर करो साइड ड्राई ऑन द जी सो। हाँ देखा, हाँ अभी ऐसे सांस लेते हैं तो फिर धुआं निकलता है ना। मामा मामा, तुम इंतजार करने जरा, अजीम जो है भूख लग रही है, अभी जाते हैं खाना खाएंगे। नहीं नहीं, वो जा रहे हैं अजीम और निशा। हम किधर आ गए बच्चों? मैकडोनल्ड्स में। हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस यहाँ पे सेकंड वेव है, दूसरी लहर है, तो अब सब कुछ फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफी लोग बीमार हो रहे हैं। तो आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं लेकिन अंदर बैठ कर खाना नहीं खा सकते। ओके, ये वापस क्यों आ गए जी? ओहो, ये तो बंद है। ओहो है,
तो मैकड्राइव खुली है, मैकड्राइव में चलो जाके खाना शुक्र ले लेंगे क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया और अभी हम खाना लेके खाएंगे गाड़ी में, नाश्ता कर लेंगे। ठीक है हमाद, हमाद अपने बाल तो नहीं खराब करो, इतने अच्छे जेल लगाई थी मैंने। हमाद को थोड़ी नींद आ रही है, बेबी आद को देखें, वो देखें कैसे सो रहा है, वो देखो बेबी हाथ कैसे सो रहा है। चुके हैं वापस घर और काफी घंटे गुजर चुके हैं। बेबी आहत से नैप ले चुका है, मैं तैयार कर रही हूँ आज रात का खाना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तुर्किश पुलाव, बहुत ही आसान होते हैं तुर्की चावल बनाना। तो मैं अपनी जब थोड़ा सा भून रही हूँ, भून कर उसमें पानी डाल देंगे दम के लिए, और साथ में बना रही हूँ आज जी हाँ चने की दाल। तो इंशाल्लाह बहुत ही यम्मी खाना बनेगा। चावलों को मैं दम लगाकर सौदा जरा संभालना है, सौदा अराइव हो गया है तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, फिर मैं वो संभालूंगी और इंशाल्लाह लंच करके नहीं, इंशाल्लाह मैं डिनर करके, मैं बच्चे बहुत थके हुए, मैं बहुत थकी हूँ। तो आई थिंक आज जो है अर्ली नाइट होगी बेड में, लेकिन हू नोस, बच्चे शायद बोले कि नहीं हम लोगों ने भी नहीं सुना, क्योंकि आपको तो पता है बच्चे कभी थकते ही नहीं है। ठीक है अभी तो आप लोगों में से कौन कौन जो है कोक स्टूडियो को सुनता है मुझे भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं तो कोक स्टूडियो की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। मैं देख रही थी कि ये 10 साल पुराना है, सीजन 3 का। जी बेटा एक मिनट, तो सीजन 3 का सॉन्ग है जुगनी जी, जो आरिफ रॉय का बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आप सब लोगों ने तो सुना जरूर होगा। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर चावलों को दम दे चुकी हूँ, तो देखिए सौदा जो है वो डिलीवरी आ चुकी है। हमार बेटा एक मिनट में व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है और क्या जिंग जंग बोलो। तो ये जो है फूड की डिलीवरी आ चुकी है, सौदा वगैरह, तो ये काफी सारा है आज तो, लेकिन नहीं नहीं आज काफी कम है, इससे डबल होता है नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारी चीजें पास अभी तक पड़ी हुई थी। तो ये सौदा है सारा, अभी मैंने संभालूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम खाना खा लेंगे, ठीक है, भूख तो सबको लगी हुई है, ठीक है ना। ओके चलें जी, जो दाल हो गई है कंप्लीट, और हम जो है एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, नहीं रोटी नहीं है, दाल है। तो अब इसे मैं कर दूंगी मिक्स। हाय 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 बच्चों प्लीज एक मिनट चुप कर सकते हो जी, थैंक यू। तो ये दाल को मैंने लगा दिया जी तड़का, और दाल हो गई है तैयार। चले आज ये प्लेट अप करके टुगेदर खाएंगे, इकट्ठे होके खाएंगे, ठीक है। आप भी आ जाए खाना खाने। चले ये है मेरी प्लेट, नीचे मैंने चावल डाले हैं और ऊपर दाल डाली है। मैंने ट्राई किया कुछ अच्छा बनाने का, लेकिन बिल्कुल ही खराब बन गया। मैंने सोचा था कि यहाँ साइडों पे गोल गोल दाल डाल दूंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन पता नहीं कुछ और ही बन गया। चलिए ठीक है, आपको तो समझ आ गई होगी, आइडिया मिल गया। तो ये है जो मैं आज खाऊंगी मेरा डिनर। तो अब रात हो चुकी है, खाना वगैरह खा चुके हैं, मैंने बर्तन धोए, बच्चों को तैयार किया बेड के लिए, और चूल्हे भी साफ़ किए आज मैंने, बहुत थक गई हूँ।
कैंडल जलाई है, थोड़ी सी टी बनाई है अपने लिए, और अब मैं थोड़ा बहुत बैठ के काम करना है, थोड़ी एडिटिंग करनी है यूट्यूब के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने पास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। और आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।